कार्यकर्ता हमारा आधार, हमारी पूंजी है। भाजपा अनुशासित पार्टी है। अनुशासन तोड़ने वालों को हम ठीक करना भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे, सीधी सिंगरौली जाते समय यह कहा उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर। कार्यकर्ता हमारा आधार, हमारी पूंजी है। भाजपा अनुशासित पार्टी है। अनुशासन तोड़ने वालों को हम ठीक करना भी जानते हैं। यह कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अल प्रवास पर रीवा पहुंचे, सीधी सिंगरौली जाते समय उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुछ इस तरीके से कहा। कार्यकर्ता हमारा आधार, हमारी पूंजी। भाजपा अनुशासित पार्टी। अनुशासन तोड़ने वालों को हम ठीक करना भी जानते हैं। सीधी सिंगरौली में संगठन को मजबूती देने के लिए रीवा होकर सीधी के लिए रवाना हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा अल प्रवास पर रीवा पहुंचे, सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सीधी के लिए हुए रवाना। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, विभिन्न क्षेत्र में पार्टी को और संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा। उन्होंने अनुशासन को लेकर कहा, अगर कोई भी अनुशासनात्मक कार्य करता है उसे पहले बोला जाता है, फिर ठीक न हुआ तो ठीक किया जाता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा अल प्रवास पर रीवा पहुंचे, वह रीवा से सीधी और फिर सीधी से सिंगरौली का दौरा करेंगे। सीधी और सिंगरौली में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। रीवा के सर्किट हाउस पर अल्प समय व्यतीत करने के बाद वह सीधी के लिए रवाना होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, संगठन के विस्तार के साथ सिंगरौली में दो नई नगर परिषदों का गठन हुआ है, जिनके चुनाव होने वाले हैं, जिस पर चर्चा की जाएगी। रीवा के अंदर संगठन का कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। बूथ विस्तारक अभियान रीवा में ऐतिहासिक हुआ। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। विधायकों की बैठक को लेकर कहा, पार्टी का रूटीन काम है, हर जिले की समीक्षा की जाती है, जहां भी जो कमी होती है उस पर काम किया जाता है। उन्होंने कहा, ग्राम सरकार और नगर सरकार जीत कर आए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और अच्छे से काम करें, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने रीवा महापौर सीट हारने पर कहा, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक स्तर पर कार्य करती है, जहां कोई कमी है सब मिलकर दूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवाद का प्रयोग नहीं करती। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता ही हमारा आधार, हमारी पूंजी है। बूथ में कार्यकर्ता हमारी ताकत है, इसीलिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है। अगर कहीं किसी ने अनुशासन तोड़ने का कार्य किया है तो वहां उसको ठीक किया जाएगा। सुनिए पीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अनुशासन के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर कहीं इस प्रकार के अनुशासन को तोड़ने का काम किसी ने किया है तो हमने उनको तत्काल जहां कहने की जरूरत है वहां कहा है, और जब ऐसा लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है तो फिर ठीक भी किया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी पद्धति से काम करती है, और हमारी अपेक्षा भी यही है कि हम सब समाज में भारतीय जनता पार्टी के हम सब चेहरे हैं, तो हमारा व्यवहार और स्वभाव ऐसा रहे कि जनता को ये न लगे कि हम अपने संगठन को या अपने सरकार को कोई हम इस प्रकार की चीज़ें करने का प्रयास करें। इसलिए प्रयास होते हैं, और संवाद एक बड़ा माध्यम है। कार्यकर्ता से कभी कभी कुछ चूक भी होती है, उसको भी ठीक करते हैं।